खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर। उत्तराखंड के चमोली जिले से सटे जिला मुख्यालय के पास बालकिला नदी के किनारे एक संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसको लेकर परिजनों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है व हत्यारों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आइए देखते हैं उत्तराखंड से हमारे संवाददाता तरसेब सिंह तोमर की यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि 13 फरवरी को जिला मुख्यालय से नदी बालकिला नदी के किनारे संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक चमोली से प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर हत्यारे को पकड़ने की मांग की है। शनिवार को गंगाल गांव के समस्त ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी कर रोष जताया। उनका कहना है कि प्रशासन को इसमें सख्ती से जांच करते हुए समय पर आरोपियों को जेल में डालना होगा। ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय के बाद पुलिस अधीक्षक के पास भी पहुंचे और उनसे वार्ता की। पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीण को शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और कहा कि मामले में गहनता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट की इंतजार भी की जा रही है, उसके बाद मामले में कार्रवाई की जा सकती है। एक्चुअल में ये 2-3 दिन पहले ये घटना घटी थी। हमारे ग्वार गांव से एक बालक है, आदर्श नाम का एक बालक है, और उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेड बॉडी वहां पे मिली गैरपुल पे, तो गैरपुल पे मिली तो उस पर उसके गले पे 3 निशान है। तो थोड़ा हमें ये शंका हो रही है कि इसके गले में ये 3 स्पॉट काहे के हैं और इसका पोस्टमार्टम क्या गया है। पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने हमें ये आश्वासन दिया है कि इसकी जो बॉडी के पार्ट्स है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं और फॉरेंसिक जांच के आने के बाद ही हम इसमें बता पाएंगे कि इसमें ये सुसाइड है या किसी ने इसकी हत्या करी है। इसलिए ये आश्वासन के बाद हम लोग वापस यार पता करेंगे कि भाई फॉरेंसिक जाँच के बाद अगर इसमें कोई दोषी पाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ लोग आए थे, ये जो परसों एक तालाब में जो डेड बॉडी मिली थी, जिसके ये सूचना आई थी कि एक बाइक खड़ी है और वहाँ पर जूते उतार रखे हैं और जो उस बाइक का ओनर है वो वहाँ पर नहीं है, तो उसकी सर्च की गई थी। उसमें पुलिस के द्वारा, SDRF के द्वारा, तो अंततः फिर वो एक छोटा सा तालाब है उसमें से उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो उसका PM करवा दिया गया है और आज ये उस क्षेत्र के लोग आए थे काफ़ी संख्या में। इनका ये कहना है कि साहब उसका मर्डर हुआ है। तो मैंने उनको यही कहा है कि आपके जो भी संदेह है, जो भी आपके आरोप हैं, वो आप हमें दे दीजिए, हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी फैक्ट होगा उसको सामने।